हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फ्लुइड्स। जी हाँ, फ्लुइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। नीट में तो ये टॉपिक है ही नहीं, लेकिन जेई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हमें जेई को फोड़ना भी है और ठंड से बचना भी है, बहुत ठंड है आजकल। चलो करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़ लो, क्या मांगा गया है। दिस सर्कुलर ट्यूब, ये सर्कुलर ट्यूब है इन ए वर्टिकल प्लेन, ऐसा ट्यूब इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है, ऐसा। द टू लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी, इनकी डेंसिटीज गिवन है D1, D2 है ना। ये ब्लैक वाला D1 और ये डॉटेड डॉट जो दिखा रहा है वो D2, दो लिक्विड है और 90 डिग्री एट द सेंटर, मतलब ये वाला पोर्शन 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला पोर्शन भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मतलब इनके जो एंड को मिलाओगे ना 90, इनके एंड को मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएंगे एट द सेंटर। रेडियस जॉइन द इंटरफेस एंड एंगल अल्फा, इंटरफेस मतलब डार्क वाला और लाइट वाला लिक्विड का जो बाउंड्री है ना उसको बोलेंगे इंटरफेस। ये वर्टिकल के साथ अल्फा बना रहा है। आपको फाइंड करनी है रेडियस D1 बाई D2 का रेशियो, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा अपने तरीके से भी ड्रॉ कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली समझा पाऊँ। तो अगर मान लो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली, थोड़ा सा ट्यूब है तो डबल स्फीयर की जैसा आपको दिखेगा ऐसा। और यहाँ पे क्या है कि डॉटेड डॉटेड ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, दो लिक्विड है, दो लिक्विड भी मुझे दिखानी पड़ेगी, एक तो ऐसा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लिक्विड वन, है ना, D1 वाला, ये मान लेते हैं D1 वाला है, ठीक है। और दूसरा लिक्विड इसमें है ये वाला, ये वाला, ठीक है। दो लिक्विड की बात हो रही है, ये सेंटर है, इसका नाम दे दो O, सेंटर का नाम हम लोगों ने दे दिया O। तो यहाँ पर अल्फा भी आपको दिखानी पड़ेगी, दिस इज वर्टिकल, दिस इज अल्फा, ठीक है। और लिक्विड की कुछ लेंथ वगैरह गिवन नहीं है, वो आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, इस लेवल पे खड़े होके देखते हैं, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है बेसिक्स में कि जब हॉरिजॉन्टल लेवल की बात की जाए तो प्रेशर रिमेन इक्वल एट द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है ना। चलो तो यहां से अगर हम लोग हाइट ले लेते हैं H2, मान लिया H2 हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, और यहां से अगर ये ले ले H1, तो कोई बुराई तो नहीं है। H1 H2 हाइट ली जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने हाइट के टर्म में प्रेशर को डिफाइन किया है, पढ़ाया है, डिराइव भी किया है। तो ध्यान से देखना, इस हाइट का यूज हम लोग करने वाले हैं। इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है हमारे पास है। इस लेवल का नाम दे दो लेवल A, यानी कि जो प्रेशर होगा यहां पर और यहां पर वो तो इक्वल होगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल में तो प्रेशर सेम होता है। और मान लो ये जो है यहां पर प्रेशर है P1, ये जो खाली वाला है इसके पास मान लेते हैं कुछ प्रेशर होगा P1 एयर के कारण, उसके अंदर एयर ट्रैप तो है। तो अगर मैं PA लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P1 प्लस रो जी हाइट H1, यहां का प्रेशर, ठीक है ना। और यहाँ का प्रेशर मैं क्या लिखूंगा PA, यहाँ भी तो PA होगा, वो क्या लिखूंगा प्रेशर ड्यू टू दिस एयर इनसाइड रो भी मैंने लिख दिया, सॉरी आदत हो गई है, रो नहीं लिखना है, डेंसिटी D1 लिख दिया है, GH1 GH2, ठीक है ना। दो ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हमें क्या समझना है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा, D1H1 इज इक्वल टू D2H2 मिल जाएगा, यानी कि D1 बाई D2 इज इक्वल टू H2 बाई H1, ये लिखेंगे ना, D1 बाई D2 इज इक्वल टू व्हाट, H2 बाई H1। अब हमें H1 H2 फाइंड करनी है या डाल देनी है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक बार। चलो ट्राई करते हैं H2 और H1 फाइंड करने की। तो H2 ये जो हाइट है वो मैं फाइंड करने वाला हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अगर मैं लाइन दे दूँ तो ये कितना बनेगा, ये तो 90 माइनस अल्फा बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये अल्फा हो जाएगा, चलो ये कुछ हाइट हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और यहां से यहां तक रेडियस है आर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ ट्यूब कुछ है क्या, चलो कैपिटल आर ले लिया, मान लेते हैं रेडियस। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन अल्फा में लिखूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और यहां से यहां तक क्या मिलेगा मुझे,
वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा लगा ले, कॉस अल्फा, तो ये वाला जो हाइट है यहां से यहां तक, ये मुझे मिल जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक। यानी कि एच टू, एच टू जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा। सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, आप सबको मालूम है ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लिक्विड है वो 90 डिग्री बनाता है टोटल सेंटर पे। अब मुझे एच वन चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से ऐसे 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 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये अल्फा बनेगा। तो ये जो इतना हाइट बनेगा साइन अल्फा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये वाला जो डिस्टेंस है यार इतना, ये बनेगा आर साइन अल्फा, ठीक है। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा रेडियस आर है, ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा में ले रहा हूं आर साइन अल्फा। तो ये पूरा यहां से यहां तक जो पूरा बनेगा वो बनेगा आर कॉस अल्फा। तो जो एच वन मेरे पास आएगा, दिस माइनस दिस आएगा ना, दैट मीन्स आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा ये बनेगा। इसको आप डिवाइड करोगे तभी तो आएगा डी वन बाई डी टू का रेशियो। डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलता है, डिवाइड कर दोगे आपको तो ये आर 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 सारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर आप आंसर में देखो साइन प्लस कॉस तो कहीं भी नहीं, वन है। आप एक काम करो कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऊपर मिलेगा वन प्लस टैन अल्फा और नीचे मिलेगा वन माइनस टैन अल्फा। ये आपको अल्टीमेटली मिल गया विच इज द ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट भेज सकते हो। समझ में आया है तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करना, आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे अपडेट्स। बाय बच्चों, टेक केयर।